हेलो गाइस, आज मैं ऐसी रेसिपी बनाने जा रही हूँ, ऐसी टिफ़िन की रेसिपी की जो बच्चे पूरा टिफ़िन फ्रीज करके आएंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे अगर आप उन्हें ऐसी टिफ़िन बना के देंगे तो। शेयर वो पूरा फ्रीज करके आएंगे। अक्सर बच्चों की क्या आदत होती है ना, पूरी टिफ़िन फ्रीज करके नहीं आते हैं, थोड़ा सा खा के और थोड़ा छोड़ के ले आते हैं। तो आप उन्हें हेल्दी वे में भी दे सकते हैं और उनका मनपसंद का भी रहेगा। तो आप इस तरह से ये रेसिपी तैयार ट्राई करें तो उन्हें बहुत ही पसंद आएगा। तो पहले मैंने ढेर सारे प्याज मैंने कट किए थे और उसके बाद मैंने कुकिंग ऑयल डाला था, प्याज को मैंने डाल दिया। प्याज को थोड़ा सा मैंने उसको फ्राई कर लिया है, थोड़ा सा वो ब्राउन हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद मैंने लहसुन अदरक को कूट के डाला है, उससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। जब भी आप लहसुन अदरक उसमें डालेंगे तो अच्छे से एरोमा आएगी ना कि आपको बहुत ही अच्छी फील होगी और बच्चों को भी उसकी खुशबू सुन के ही बड़ा अच्छा लगेगा, सोचेंगे मैं जल्दी से खा लूँ। उसके बाद मैंने एक शिमला मिर्च भी डाल दिया है और दो ग्रीन चिली मैंने लंबे स्लाइसेस में कट करके डाला, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। जब मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ ना तो मिर्ची के स्लाइसेस में लंबे लंबे काट के डालती हूँ, ताकि अगर वो उन्हें तीखा पसंद नहीं होता तो वो निकाल सकते हैं और बाकी मुझे खाना होगा तो मैं खा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने पनीर को कट करके डाल दिया। पनीर को मैंने थोड़े से छोटे पीसेस में कट किया है। उसके बाद इसको भी अच्छे से मैं फ्राई करूँगी। जब ये सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसमें फिर स्वाद अनुसार आप नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद फिर इसको और अच्छे से थोड़ा सा पका लेंगे। और नमक थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि मैं इसमें सॉसेस वगैरह भी डाल रही हूँ, तो थोड़ा सा कम नमक पहले डालेंगे और इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैं सभी तरह के सॉसेस में डालूँगी, मैं चिली सॉस डालूँगी, टमाटो सॉस पहले मैंने डाल दिया है उसको भी मिक्स कर लूँगी। बहुत थोड़ा थोड़ा डाल रही, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, ये हेल्दी वे में भी बनाना है और थोड़ा सा टेस्ट भी आ जाए। तो मैंने अब थोड़ा सा मैं सोया सॉस डाल दूँगी और ये ना बहुत ही टेस्टी सा इसकी जब बना रही हूँ ना तो इतनी अच्छी इसकी एरोमा हो रही है, स्मेल आ रही है, मज़ा आ रही है। और थोड़ा सा मैंने ग्रीन चिली सॉस डाला है क्योंकि यार मैंने ग्रीन चिली भी दो डाले हैं, तो बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बनाऊँगी क्योंकि मैं बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई है। इसके बाद मैंने ये दो पतली पतली रोटियाँ मैंने ये बना रखी हैं, देखिए आपस में ऐसे ही रोटी मैंने ये बना रखी थी, तो उसको इसकी निकाल के मैंने अलग कर लिया है। अलग करने के बाद इसके पास इसके ऊपर से आप बटर लगा देंगे अच्छे से, आप चाहो तो इसके अंदर आप मेयोनी वगैरह भी लगा सकते हो, पर मैं मेरे बच्चों को मेयोनी पसंद नहीं है तो मैं मेयोनी यूज़ नहीं करती हूँ। जिसको पसंद हो आप उसे लगा सकते हो। फिर जो मैंने ये सब्ज़ी बना के रखी है उसके अंदर आप फिल करके अच्छे से एक रोल बना देंगे। आप चाहो तो ऐसे भी टिफ़िन में दे सकते हो, पराठे के साथ, रोटी के साथ ऐसे भी वो खा सकते हैं और इस तरह से इजी वो खा लेंगे, या घर में भी आप ब्रेकफास्ट में या डिनर में उनके लिए बना सकते हो। मेरे बच्चों को तो पसंद है, आपके बच्चों को क्या पसंद है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, खाओ पियो, एंजॉय करो।